सो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू आई एक्सएम बी राइट आई होप आप सब अच्छे हो आई एम प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो लाइक यू नो यू नो वी आर जस्ट वन डे वन डे लेफ्ट फॉर द क्रिसमस तो मैं आपको ज्यादा क्या ही बताऊ डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्रिसमस का ऑफर आप एक बार उसको देख लो इफ यू अवेल दैट ऑफर राइट देर ज ए सीक्रेट गिफ्ट दैट इज डिलीवर्ड टू यू एंड ये सीक्रेटली मैं आपको बता दे रहा हूँ राइट वी आर नॉट लेकिन इस वीडियो मैंने सीक्रेटली आपको बता दिया लेक्चर so की पीडीएफ और बीपीडीए को डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट एज एन वेन यू रिकॉर्ड इट सो शुरू करते है सबसे पहला करेंट अफेयर जो है एमएसपी फॉर कोपा देखो गवर्नमेंट का एक टारगेट है क्या टारगेट है कि दो हजार चौबीस तक उनको फार्मर्स के इनकम को डबल करना है अब उसके लिए वो बहुत सारे स्टेप्स लेते रहती है एंड ये भी है कि दिस इज नॉट एन वन डे प्रोसेस तो अगर हम बजट 2018-19 में जाएं तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो एमएसपी है उसको उन्होंने फिक्स करना है एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ताकि फार्मर्स को एक अच्छा अमाउंट एज एन इनकम मिले तो इन लाइन विद दैट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हैव नाउ फिक्स द प्राइस ऑफ एम एस पी ऑफ कोपरा कोपरा का उन्होंने कर दिया है दस हजार आठ सौ साठ और कोपरा बॉल का उन्होंने कर दिया है ग्यारह हजार सात सौ पचास अब ये कितने का इंक्रीज है अगर दो सौ सत्तर है पर क्विंटल और सात सौ पचास पर क्विंटल फॉर कोपरा बॉल का ठीक है फॉर दीजन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ये आपको याद रखना है अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा फार्मर को तो फार्मर को जो बेनिफिट मिलेगा ना मतलब मार्जिन वो मार्जिन में फिफ्टी वन पॉइंट एट टू परसेंट कोपरा के लिए बढ़ जाएगा और मतलब बढ़ नहीं जाएगा इतना मार्जिन उनको आएगा आएगा 51.82 और इधर 64.26 कोपरा बॉल का सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टुवर्ड्स यू नो एक तो एमएसपी क्योंकि एमएसपी को लेके बहुत सारा बात चलता है बिकॉज कुछ ग्रुप्स है दे वांट दी लीगल बैकिंग फॉर एमएसपी की एमएसपी होना ही चाहिए बट ऑन दी अदर हैंड यू नो हम देख रहे हैं कि कभी भी डिसीजन होते हैं तो डिसीजन उसी पे होता है मतलब सी लीगल बैकिंग मिल गया तो गवर्नमेंट को मैंडेटरीली करना पड़ेगा अभी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि करना है कि नहीं करना है बट वट वी कैन सी फॉर द लास्ट यू नो फ्यू इयर्स प्रोबेबली डीकेड गवर्नमेंट इज ऑलवेज यू नो कमिंग अप विद दस एमएसपी विच इज गोइंग टू बेनिफिट दमर सो ऑन अदर हैंड अगर आप ये दोनों चीज को एक साथ देखोगे तो वो जो लीगल बैकिंग उसकी जरूरत ही नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट तो काम इस पर कर रही है अगर आप एक डिकेट की बात करोगे तो एक डिकेट पे तो इस पर काम चल ही गए हमेशा एमएसपी इंक्रीज होता है अलग अलग क्रॉपिंग सीजन के पहले गवर्नमेंट एमएसपी ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज लॉन्च ऑफ फोर सर्विस बाय बी एस आप सही देख रहे हो हमारे प्यारे बी ने फोर सर्विस लॉन्च कर दिया है जब पूरा देश फाइव सर्विस की तरफ जा रहा है राइट right? सो so, इसका अगर टेंडर की बात करें तो बी ने इसको 2022 अक्टूबर में फ्लोट किया था फॉर वन लैख फोर जी साइट्स जो अभी जाके कंप्लीट हुआ है बट यहां पे आप एक बात ये भी सोचो बी का जो थ्री जी सर्विस था जिसको एच प्लस सिग्निफाई किया जाता था वो सर्विस भी बहुत अच्छा था मतलब कंपेरेटिवली एट सम प्लेसेज दैट सर्विस यू नो यूज टू बी बेटर देन दोर जी सर्विसेज ऑफ यू प्राइवेट कंपनीज अब ऐसा इसलिए था अब टेक्नोलॉजिकल फर्क तो है फोर जी को फास्ट होना है लेकिन बी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर सकता है ऑन द अदर हैंड उतने यूजर्स उसके पास है नहीं सो so, इवेंचुअली जितने यूजर्स थे उनका जो स्पीड है सर्विस है वो बेटर आके निकलता था सो इन दैट सेंस बी कहीं पे ना कहीं पे ट्रस्टवर्दी है अभी भी एंड इट इज ऑल्सो इन द गेम बट इट हैज टू यू नो वर्क मोर हार्डर क्योंकि अब तो एयरटेल जियो जो इनका प्राइम कंपिटिटर है बिकॉज़ देश में अब चार ही लोग रह गए हैं एक तो वोडाफोन आइडिया एयरटेल जियो एंड दी एंड दी एस एन एल ठीक है तो अगर बी एस एन एल को गेम में बने रहना है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे डू यू नो दिस दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन दी फास्ट पेस बिकॉज अब तो जियो एंड एयरटेल मूव कर गए हैं फाइव जी में सो so बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है फ्री फ्रूड ग्रेन्स अंडर एन एफ एस ए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट में लिया कि उन्होंने अब फ्री फूड ग्रेन देना है टू एट्टी वन पॉइंट थ्री फाइव करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये बहुत बड़ा डिसीजन है अंडर जो एन था नेशनल फूड सिक्योरिटी उसके अंडर में जो फूड ग्रेन था वो तीन रुपए पर के राइस मिलता था दो रुपए पर के का व्हीट मिलता था एंड एक रुपये पर के का कोस कोस ग्रेन्स मिलता था लेकिन अब ये पूरा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है बहुत बड़ा न्यूज है कितना पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट इसमें दो लाख करोड़ इन द नेक्स्ट वन ईयर ऑन फूड सब्सिडी ठीक है दो लाख करोड़ इज ए वेरी बिग अमाउंट सो इट्स टू ट्रिलियन टू ट्रिलियन खर्च करने वाली है इन ने नेक्स्ट वन ईयर अंडर एन लेकिन ये घूम के गवर्नमेंट को ही इसको फायदा होता है कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं देखिए ये दो लाख करोड़ का फूड ग्रेन जाएगा लोगों को तो इसका मतलब सिंपल सी बात है तो ये दो लाख करोड़ जो डिस्पोजेबल इनकम है इन लोगों का वो उनके पास रह जाएगा राइट सो इवन इफ दे सेव दैट मनी दैट विल गो टू द बैंकिंग सिस्टम एंड इवेंचुअली दैट विल कम इन टू द इकोनॉमी पहला केस दूसरा केस वो उसको बैंक में सेव ना करके उसको इकोनॉमी में आके खर्च कर देती है ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ग्रोथ मिलेगा डिमांड को बूस्ट मिलेगा सो मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं राइट सो गवर्नमेंट जब ऐसा डिसीजन लेती है इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नो वन वे प्रोसेस कि हम दो लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो गया नहीं इसके पीछे और भी यू नो माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है क्योंकि ये जो दो लाख करोड़ है ये ऑब्वियसली बात है बजट से जाने वाला है टैक्स पेयर का पैसा है बट ऑन दी अदर हैंड ये जितने सारे लोग हैं मतलब ये दिखने वाला है एंड देन डिस्पोजल इनकम ग्रोस इवेंचुअलीट अमाउंट ऑफ मनी कम्स इन टू द इकोनॉमी आई द्रू बैंकिंग सिस्टम और थ्रू डायरेक्ट स्पेंडिंग ठीक है सो so, ये एक सोचने वाली बात है जो बहुत Uh, 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 मतलब बहुत कुछ सोच के गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है देखो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए इन्फ्लेशन हाई है राइट ऑल दो इट्स इन कंट्रोल डब्ल्यू पी आई सी पी आई नवंबर की बात करें तो वो तो कंट्रोल में आ गया है फिर भी रेप्रोइ एक्सपेक्टेड right है कि फैब में भी ये बढ़ेगा बिकॉज अभी दो दिन पहले जब बी एफ एस आई सम्मिट हुआ उस समिट में भी गवर्नर का जो स्पीच था वो कहीं ना कहीं टू वर्ड्स एकोमोडेशन नहीं लगा राइट right? मतलब अभी भी आरबीआई इज यू नो थिंकिंग टू इंक्रीज रेपो रेट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट वन मॉनिटरी पॉलिसी उसके बाद कुछ दिन उसको कॉन्स्टेंट रखने वाले हैं टू सेटल ताकि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो सेटल हो जाए चार के आसपास अलाइन हो जाए एंड वंस दैट दैट इज डन इन समवेयर यू नो मिड ऑफ प्रोबेबली जून जुलाई तक 2023 में ये हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे आर शायद कम करना शुरू करेगी बट अगेन ये सारे तो बातें हैं ये तो टाइम से ही पता चलेगा कि आर क्या करने वाली है बट हमको यहाँ पे एक दूसरे कंडीशन को समझना है कि गवर्नमेंट को थ्रू फिस्कल पॉलिसी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके ग्रोथ को बूस्ट करना है यू नो एंड दिस इज वन ऑफ दैट मॉडिफिकेशन दैट गवर्नमेंट हैज डन ऐसा है, मतलब बोलते हैं ना एक तीर्थ दो निशाना ये वो बात हो गई देखो 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन वाली बात हो गई ना कि उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है ठीक है मतलब ऑल्दो वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी बट वी आर आल्सो सोशलिस्ट तो ये एक सोशलिस्ट मेजर है ये एक पॉलिटिकल मेजर भी हो सकता है राइट बट लेट्स टॉक अबाउट दी सोशलिस्ट मेजर बट इसका जो फायदा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में मिलेगा सो वी कैन ऑब्वियसली टेल एंड कंक्लूड दैट दिस इज ए मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन टू बूस्ट दी ग्रोथ सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है यू आई डी आई गेट्स अवार्ड तो मैं आपको बता दूं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आई डी आई हर अवार्ड लेके जाने वाला है कल के न्यूज में हमने देखा कि उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड लिया उससे कुछ दिन पहले हमने देखा कंटिन्यू चार मंथ उन्होंने ग्रीवियंस रेग्रेसल इंडेक्स में टॉप करते गए अब फिर उन्होंने एक अवार्ड ले लिया डीएससीआई अवार्ड फॉर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर ये बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊं यू आई डी आई आधार को मैनेज करिए मतलब आप मान के चलो मेरा फोटो मेरा एड्रेस मैंने कहाँ-कहाँ आधार ऑथेंटिकेट किया है ना मेरा फिंगरप्रिंट, मेरा रेटिना स्कैन सब कुछ इनके सर्वर पे है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे कीप दिटीजन डेटा सेफ यू नो सो ये अवार्ड उनको मिला है मतलब हमको एज ए सिटीजन वी आर निश्चिंत वी आर रिलैक्स कि हमारा डेटा उनके पास सेफ है सो so, फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज के तरफ वो है फेम इंडिया तो फेम इंडिया रिपोर्ट का फेम uh, इंडिया जो है फेम टू उस पर यह आया है कि सेवन लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एट इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्टेड अंडर फेम दू स्कीम आपको पता है फेम के लिए सब्सिडी uh, मिलता है तो वो सब्सिडी के हिसाब से नंबर ऑफ व्हीकल्स निकल जाता है राइट right? तो कुछ छह हजार तीन सौ ई बसेस सैक्शन और टू एट सेवन सेवन चार्जिंग स्टेशन इन सिक्सटी एट सिटीज अक्रॉस ट्वेंटी फाइव स्टेट तो ये सारा चीज आपको ध्यान लेना है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ फेम टू स्कीम कब लॉन्च हुआ फ्रेंड्स so बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है ओ आर ओपी अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट मेजर विच वॉज लॉन्ग पेंडिंग समय था गवर्नमेंट ने मान लिया था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो कई बार इसके पीछेबल बेनिफिशियरीज है वो कई बार थोड़े थोड़े डिस्प्यूट करते थे कम फ्रॉ एफेंस बैकग्राउंड दे के नॉट ओपनली प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ दू नो दिसिप्लिन दैट देव गोन थ्रू बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देर वेर ऑफ टॉक्स तो फॉलोइंग दैट यू नो अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है ये वन रैंक वन पेंशन ठीक है जुलाई वन 2019 से सो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल हैं इनको बेनिफिट मिलेगा मतलब कहां तक एलिजिबिलिटी गिनी जाएगी जून थर्टी 2019 तक कवर किया जाएगा एंड गवर्नमेंट टोटल 25.13 लाख पर्सनल यू नो दे आर गेटिंग दी बेनिफिट 23,638 करोड़ टू बी पेड एस एरियल्स अब क्योंकि ये जून 30 2019 से इफेक्टिव मतलब सॉरी जुलाई 1 2019 से इसको इफेक्टिव किया गया है इसका मतलब फर्स्ट जुलाई में जो उनको पेंशन मिलना था वो उनको नहीं मिला कम मिला उनको तो वहां से पाइलअप होके अब तक जो मतलब पैसा बन रहा है उसको एरियल्स बोलेंगे तो टोटल एरियाज़ गवर्नमेंट के सामने है तेईस हजार सिक्स हंड्रेड थर्टी एट करोड़ तो अगेन दिस इज अगेन ए मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब बात है, ये पैसा उनके डिस्पोजेबल इनकम में ऐड करेगा आई दर देव और देोनॉमी इवन इफ देव बैंक क्रेडिट विल गो अप क्योंकि बैंक उसको लेकर बैठा थोड़ी रहेगा ना तो बैंक डिपोजिट विल गो अपन इवेंचुअली वो पैसा इकोनॉमी में एज ए क्रेडिट घूम के आएगा ऑन द अदर हैंड इवन इफ दे स्पेंड इन द इकोनॉमी तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा ठीक है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है बिजली उत्सव तो बिजली उत्सव किसने ऑर्गेनाइज किया इट्स इन गुजरात ठीक है देन नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं एमएसएमई ये कहां पे शुरू हुआ टेंथ एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ठीक है ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किसने किया मिनिस्टर फॉर एमएसएमई श्री नारायण राणे ने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ वो है एनडीटीवी का तो एनडीटीवी के जो फाउंडर्स है प्रणय रॉय एंड उनकी वाइफ राधिका रॉय दे हैव लेफ्ट है ग्रुप कंप्लीटली ठीक है क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप ने ओपन ऑफर दिया था टू हो चुका है सो so, जिस वजह से अब प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय एनडीटीवी के बोर्ड में नहीं रहे देव मेड एन एक्सिट बिकॉज ये जो शेयर है वो उनके थ्रू ही गया है बिकॉज ने, ने ही आरपी आरआरपीआर से 400 करोड़ का लोन लिया था सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं एंड है, डाउन हो होने का वजह क्या है इंटरवेंशन इन फॉरेन मार्केट इन फॉरेक्स मार्केट सो विद दिस फ्रेंड्स वी आर डन टुमारो मॉर्निंग वन सेकेंड अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद आई एक्स एम बी ऑल फास्टर